घर पर ही बनाइए होटल जैसा स्वादिष्ट खाना। आज हमने बनाया है चिली मशरूम मंचूरियन, जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबाना ना भूलें, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चिली मशरूम मंचूरियन बनाने के लिए ये मैंने 100 ग्राम मशरूम लिया है। ये कुछ स्प्रिंग अनियन के स्टेम्स है, स्प्रिंग अनियन है, 3 हरी मिर्ची है, 1 इंच अदरक का टुकड़ा है, 6 कली लहसुन की है, आधा शिमला मिर्ची मैंने लिया है और आधा प्याज को मैंने इस तरह से काट के रखा है। तो आइए हम शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं मशरूम के नीचे जो डंठल है उस डंठल को थोड़ा सा हम काट लेंगे। मशरूम्स को हमने पानी से वॉश करके टिश्यू पेपर से पोंछ के रखा है। और ये छोटे साइज़ के मशरूम है, अगर आपके बड़े साइज़ के मशरूम है तो आप 4 पीस में भी काट सकते हो। मैं इसे 2 पीस में काट रही हूँ। तो इन सारे मशरूम को हमने 2 पीस में काट लिया है, बस इस तरह से। आइए इस मशरूम का हम बैटर बनाएंगे, क्योंकि हमें फ्राई करना है। तो ये 2 टेबलस्पून मैंने मैदा लिया है, 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर है, इसमें मैं जिंजर गार्लिक की पेस्ट डाल रही हूँ, 1/2 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट है ये, और नमक है 1/4 चम्मच, आप अपने स्वाद अनुसार ही डालिए नमक, 1/2 चम्मच काली मिरी डाला है। तो बस इसे हम थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। तो हम इसमें अभी पानी मिक्स कर लेते हैं। तो पानी आप हमेशा धीरे धीरे डालिए, एक साथ पानी ना डालें। तो फ्रेंड्स, इस मिक्सिंग को हमने थोड़ा सा खाली फास्ट फॉरवर्ड कर लिया है। तो हमारा ये बैटर बनकर तैयार हो गया है। देखिए, इस तरह से जैसे हम भजी तलते उसी कंसिस्टेंसी में ये आपको भी बैटर बनाना है। ये मशरूम में मैंने थोड़ा सा 1/2 टीस्पून मैंने कॉर्नफ्लावर डाला है। कॉर्नफ्लावर इसके लिए डाला है ताकि मशरूम ज़्यादा पानी ना छोड़े। तो बस इसे हल्के हाथों से हम उसे उठा के और इस बाउल में डाल देंगे। बस इसे इसी तरह से हमें मिक्स करना है। तो बस इसे हम मिक्स कर लेंगे और इसे हल्के हाथों से मिक्स करें, क्योंकि मशरूम इतने टेंडर होते हैं कि वो टूट जाते हैं। तो ये हमने तेल गरम करने को रख दिया। आप देख सकते हैं तेल एकदम परफेक्ट है। अगर बैटर नीचे से ऊपर आ जाए तो तेल एकदम परफेक्ट है। और ये आपको मीडियम फ्लेम पे करना है। मशरूम के पकोड़ों को हम 2 बार फ्राई करेंगे। वो इसलिए है कि पहली बार में मशरूम अंदर से पक जाता है, लेकिन बाहर का बैटर इतना क्रिस्पी नहीं रहता है। तो उसे थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद हम इसके दोबारा फ्राई करेंगे, तो ये बैटर बाहर से भी बहुत ही क्रिस्पी बन जाएगा। ये पकोड़े 1 से 2 मिनट में फ्राई हो जाएंगे और इसे मीडियम आंच पे ही फ्राई करना है। अब इसे हम थोड़ा पलट लेंगे और फिर थोड़ी देर के लिए और रख देंगे इसे, ताकि वो अच्छी तरह से बन जाए। अब इसे हमने दूसरी तरफ से भी पलट लिया है और ये बन गया है हमारा। आप देख सकते हैं कितना अच्छा ये फ्राई हुआ है। अब ये दूसरी बैच भी हम इसमें डाल देंगे। तो ये देखिए, ये हमारे फ्राई हो गए हैं। तो ये कढ़ाई को हमने गरम करने को रख दिया। इसमें मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल डाला है और इसे हल्का सा गरम होने दीजिए। इसमें मैंने लहसुन, अदरक, हरी मिर्ची और ये हरा प्याज है, उसको भी हम साथ में मिला के सौते कर लेंगे। अगर आपके पास हरा प्याज ना हो तो आप जो रेगुलर प्याज है वो भी आप ले सकते हो। बस इसे हल्का सा सौते करना है, 1/2 मिनट ही इसे सौते करना है। तो ये हो गया है।
इसमें हम ये प्याज डाल देंगे और शिमला मिर्ची भी डाल देंगे। इसे भी थोड़ा सा ही सौते करना है। तो बस इसे हमने मिक्स कर लिया है। ये 1/4 टीस्पून काली मिरी, आधा टीस्पून अजीनोमोटो, ये ऑप्शनल है, ये आधा टीस्पून हमने सोया सॉस डाला है, और इसमें ये आधा टीस्पून हमने चिली सॉस डाल दिया है। बस इसे हम मिक्स करेंगे। ये 1/4 टीस्पून हमने लाल मिर्ची डाला है। बस इसे भी हम मिक्स कर लेंगे। तो इसमें हम डालेंगे ये 1 टीस्पून विनीगर डाला है। अगर आपके पास विनीगर ना हो तो आप आधा नींबू निचोड़ के भी डाल सकते हो। तो बस इसे भी हमने मिक्स कर लिया है। तो आइए अब हम कॉर्नफ्लावर की स्लरी बनाते हैं। ये मैंने 1 टीस्पून कॉर्नफ्लावर लिया है। अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर हो तो आप कॉर्नफ्लावर ले सकते हो। अगर आप एरारूट लेना चाहते हो तो एरारूट पाउडर भी आप डाल सकते हो। अगर आपके पास दोनों ना हो तो आप थोड़ा सा मैदा भी डाल के आप बना सकते हो। ये स्लरी को आप जल्दी डालना है क्योंकि कॉर्नफ्लावर अगर नीचे बैठ जाता है तो उसमें लम्स आ जाते हैं, गांठें पड़ जाती है। ये गैस मैंने बंद करके रखा हुआ है क्योंकि हमें अभी मशरूम के पकौड़ों को दोबारा फ्राई करना है। इसमें मैंने 1/4 चम्मच नमक डाला है। नमक आप अपने स्वाद अनुसार ही डालिए। इसे थोड़ा सा मिक्स कर दिया है और ये कढ़ाई पे अब हम जो पकोड़े फ्राई करेंगे वो तेज आंच पे ही करेंगे क्योंकि हमें सिर्फ इसको क्रिस्पी बनाना है। पकोड़े अंदर से बन चुके हैं। ये एक बैच का हम बना रहे हैं और ये दूसरा बैच हम फ्राई कर लेंगे। तो ये हमारे पकोड़े बनकर तैयार हो गए हैं। अब ये कढ़ाई को हमने वापस रख दिया है और इसमें थोड़ा सा पानी डाल रहे हैं। पानी हमने इसके लिए डाला है क्योंकि कॉर्नफ्लावर जो था वो काफ़ी गाढ़ा हो गया था। और ये मशरूम्स इसमें डाल देंगे। मशरूम्स को डालते वक्त आप गैस बंद कर दीजिए क्योंकि इसका क्रिस्पीनेस चला जाएगा। अब इसमें हमने हरा प्याज डाल दिया है। अगर आपके पास हरा प्याज ना हो तो आप इसमें हरा मसाला भी डाल सकते हैं और इसे गर्मा गर्म हम सर्व कर लेंगे। अगर आप इस मंचूरियन को और भी स्पाइसी बनाना चाहते हो तो हरी मिर्ची को काट के इसको फ्राई करके डाल सकते हो। इसके ऊपर भी हमने फिर से गार्निश करने के लिए हमने हरा प्याज ही डाल दिया है। तो ये हमारी चिली मशरूम मंचूरियन बनकर तैयार हो गई। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में ये रेसिपी को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो फिर मिलेंगे हम आपसे। बाय।